हेलो दोस्तों, अगर आपको कॉनी के जस्ट ऊपर या फिर शोल्डर के एंटीरियर शोल्डर में पेन हो रहा है तो हो सकता है कि आपको बाइसेप टेंडिनाइटिस डेवलप हो गई है। ये टेंडिनाइटिस बहुत ही कॉमन देखी जाती है, जो लोग जिम जाते हैं जो लोग जिम नहीं जाते हैं उनके अंदर भी ये टेंडिनाइटिस डेवलप हो जाती है। अब आज हम बात करेंगे कि ये टेंडिनाइटिस क्यों डेवलप होती है, बाइसेप टेंडिनाइटिस, और इसको हम कैसे अपने आप से ठीक कर सकते हैं सिंपल सिंपल मेथड के साथ। तो दोस्तों, बहुत सारे एथलीट्स को देखने के बाद जो मेरे पास रोज़ आते हैं टेंडिनाइटिस के लिए, हमें मालूम पड़ा है कि दो मेन रीज़न रहते हैं बाइसेप टेंडिनाइटिस डेवलप होने के। पहला रीज़न कि हमारे जो फोर आर्म का जो प्रोनेटर है, जिसको मैं बोलता हूँ प्रोनेटर टीरिस, वो मसल टाइट होती है। दूसरा, मेरा जो शोल्डर के इंटरनल रोटेटर्स हैं जिसके अंदर सबस्कैपुलरिस मसल, पेक्टोरिस मसल, ये मसल्स आती है, ये हमारी टाइट हो जाती है। तो अगर हमारे शोल्डर्स के इंटरनल रोटेटर्स और हमारे प्रोनेटर्स टाइट हैं तो हमें बाइसेप टेंडिनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? ऑलरेडी मेरे प्रोनेटर्स टाइट हैं और आज बाइसेप का डे है, मैंने जिम गया, मैंने डंबल्स उठाए एंड मैं इस तरह से बाइसेप्स कर रहा हूँ। तो प्रोनेटर्स टाइट हैं, मेरी फोरआर्म कह रही कि नहीं मुझे इससे ऐसे ही रखना है, बट मैंने रॉड उठाई और बाइसेप्स करने लगा, तो ये फोर्सफुल जो सुपिनेशन मैं कर रहा हूँ इससे मेरे टेंडिनाइटिस डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे इन टेंडिनाइटिस को ठीक कर सकते हैं घर पे और दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको एल्बो के जस्ट ऊपर डिस्टल बाइसेप टेंडन में टेंडिनाइटिस हो गई है, पहले बात करेंगे कि बाइसेप्स की एनाटॉमी कैसे होती है। तो बाइसेप का डिस्टल टेंडन यहाँ रहता है और ये हमारे रेडियस में आके जुड़ता है, ऊपर जाके मसल बैली बनती है। मसल बैली के बाद इसमें दो हेड्स होते हैं, शॉर्ट हेड है वो कोरोकोइड प्रोसेस में जाता है, जो लॉन्ग हेड है वो बाइसिपिटल ग्रूव, जो ह्यूमरस में ग्रूव होता है उसके ऊपर से जाता हुआ मेरे ग्लिनॉइड में अटैच होता है, सुपीरियर पार्ट ऑफ ग्लिनॉइड के अंदर। तो अगर मुझे एल्बो के यहाँ पर डिस्टल बाइसेप टेंडिनाइटिस हो रही है तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रोनेटर टीरिस जो कि टाइट है उसका रिलीज़ करूँ। तो उसके लिए आप एक मसाज बॉल ले सकते हैं और प्रोनेटर टीरिस की एनाटॉमी डिस्टल ह्यूमरस, ये मीडियल सरफेस, यहाँ से लेके बाहर इस तरह से रेडियस तक की तरफ जाती है। तो मसाज बॉल से आप मसाज कर सकते हैं उस एरिया की प्रोनेटर टीरिस की, ताकि धीरे 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 आपकी प्रोनेटर टीरिस रिलीज़ हो, इससे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके प्रोनेटर टीरिस रिलीज़ होगी। दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका है प्रोनेटर टीरिस को रिलीज़ करने का, वो है अपने थंब से मैनुअल प्रेशर। तो मैं इस तरह से प्रोनेटर टीरिस मसल को प्रेशर दूंगा, मैं अपने हाथ को प्रोनेटर टीरिस मसल को अंदर की तरफ दबा रहा हूँ, मेरा हाथ प्रोनेशन में है, मैंने मसल को प्रेस किया है और मैं धीरे 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 सुपिनेट कर रहा हूँ। वापस करेंगे ये एक्शन, मसल को प्रेस कीजिए, हाथ प्रोनेशन में एक्सटेंड करते हुए धीरे 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 हाथ को सुपिनेट कीजिए। इस तरह से 10 से 15 बार करेंगे, धीरे धीरे आपकी मसल्स रिलीज होने लगेगी। दूसरा, अगर आपको ऊपर की तरफ एंटीरियर शोल्डर पेन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग हेड बाइसेप्स की टेंडिनाइटिस हो गई है। इस सिचुएशन में आप एंटीरियर शोल्डर, जो इंटरनल रोटेटर्स हैं और जो बाइसेप टेंडन है उसकी मसाज कर सकते हैं, आप जिम बॉल यूज़ कर सकते हैं, आप छोटी टेनिस बॉल यूज़ कर सकते हैं, आप मसाज बॉल्स यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने से यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और धीरे धीरे हमारी टेंडन्स रिलीज़ होते हैं, वहाँ के सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ होता है और धीरे धीरे पेन हमारा कम होता है। दो इसमें बहुत अच्छे स्ट्रेचेज हैं। पहला स्ट्रेच है, एक दीवार के सहारे मैं खड़ा रहूँगा दीवार के पास में, और मेरी उंगलियाँ नीचे की तरफ है और मैंने पाम दीवार की तरफ पे चिपकाया है। इस पोजिशन के अंदर मैं अपने बाइसेप्स को स्ट्रेन दूंगा और स्ट्रेच करूँगा। इस स्ट्रेच को मैं 10 टू 20 सेकेंड रोकूंगा, वापस देखेंगे, उंगलियां नीचे की तरफ है और हम इस तरह से बाइसेप्स में स्ट्रेच दे रहे हैं। इस स्ट्रेच को आपको 10 टू 20 सेकेंड रोकना है और कम से कम 15 रेपिटेशन इस स्ट्रेच के करने हैं। दूसरा बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है, वो हम किसी रॉड की मदद से कर सकते हैं। तो थोड़ी ऑकवर्ड है पोजिशन, पर इस पोजिशन में आपको रॉड को पकड़ना है, आपका जो शोल्डर है वो 90 डिग्री पे, आपका एल्बो भी 90 डिग्री पे, और आपको जो नीचे वाला हाथ है ये वाला, इससे नीचे खींच के इस तरह से आपको अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करना है।
इससे मैं अपने शोल्डर्स के इंटरनल रोटेटर्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ इस तरह से। स्ट्रेच को मुझे कम से कम 10 से 20 सेकंड रोकना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। इसके मैं 15 रेपिटेशन कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये स्ट्रेचिंग्स आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आपका जो बाइसेप टेंडिनाइटिस है वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अगर आपको नहीं है टेंडिनाइटिस तो वो कभी डेवलप भी नहीं होगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे सिंपल एक्सरसाइज से हम अपनी बाइसेप टेंडिनाइटिस को ठीक कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी बाइसेप टेंडिनाइटिस ठीक नहीं होती है तो उसके लिए हार्मफुल स्टेरॉइड इंजेक्शन, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स बाइसेप्स के टेंडन शीट में लगाते हैं, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। और स्टेरॉइड इंजेक्शन की जगह PRP इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो आपके खुद के ही ब्लड से बनता है, जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, अगर हम PRP बाइसेप टेंडन में इंजेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट स्टेरॉइड से बहुत अच्छा है, और नेचुरल हीलिंग अपना रीजनरेटिव मेडिसिन से होती है, आपका बाइसेप टेंडन वैसे ही होता है जैसे पहला था। अगर ये चीज़ ठीक नहीं होती है तो आप बेझिझक हमें संपर्क कीजिए और हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उस पर ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।